नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। आपको हमेशा डिसेबिलिटी और मोटिवेशन के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। आज जो स्पेशल डे है वो उसके बारे में बताना चाहूँगी। आज 1 जुलाई डॉक्टर नेशनल डे है, तो आपको बताना चाहूँगी कि ये डॉक्टर नेशनल डे, नेशनल डॉक्टर डे जो है जुलाई 1 वीक में मनाया जाता है। इसी तरह जो अमेरिका में दोस्तों, जो मनाया अमेरिका में मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है डॉक्टर का, नेशनल डे है, वो 30 मई है। और इंडिया में जो डॉक्टर डे मनाया जाता है वो है 1 जुलाई। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए आज का डे बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, हम सब डॉक्टर्स के लिए। दोस्तों, नेशनल डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है? ये नेशनल डॉक्टर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो डॉक्टर्स अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, जो मरीजों को ठीक कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए एक दिन चुना गया था जो 1 जुलाई को चुना गया था। ये 1 जुलाई 1991 में पहली बार डॉक्टर नेशनल डे बनाया गया, नेशनल डॉक्टर डेज की स्थापना की गई। और ये स्थापना किस प्रकार से हुई मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। डॉक्टर विधान चंद जी के नाम से मनाया जाता है, जो हमारे बंगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ये फर्स्ट हमारे जो डॉक्टर थे जिनके नाम पे इनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई को हुआ था। और बाय चांस इनका जो डेथ सेरेमनी है, जो डेथ हुई थी, वो भी 1 जुलाई को हुई थी। तो इन्हीं की यादगार में इंडिया में जो नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है वो इन्हीं की यादगार में डॉक्टरों के लिए समर्पित है। रामचंद जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था, 1882 को हुआ था, बिहार के पटना जिले के खरांची तो गांव में डॉक्टर हुआ। विधान विधानचंद राय जी थे, उन्होंने जो अपनी डिग्री कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट की थी, और उसके बाद उन्होंने MRCP और FRCS की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त लिखी लंदन से थी। प्राप्त की थी। यानी कि उनका जो मेडिकल सेंटर था, उन्होंने जो मेडिकल एजुकेशन ली थी उन्होंने लंदन जाके ली थी, और वहाँ से उन्होंने ये उपाधियाँ प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1911 में भारतीय चिकित्सा जीवन में जीवन व्यतीत किया। यानी कि भारतीय चिकित्सा विद्यालय जो था उसको उन्होंने अपने चिकित्सा, अपनी सारी सुविधाएं प्रदान की, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। फिर उनके साथ साथ उनका व्यक्ति का, उनके व्याख्यान का एक कारण और है कि वो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था, इस वजह से उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1991 में जो भारत सरकार ने क्या किया था, इनके नाम पे 1991 में नेशनल डॉक्टर डे घोषित किया गया, जो हर साल एक थीम के रूप पे एक डॉक्टर को धन्यवाद करने तो के लिए विधान चंद बनाया राय जाता है। जी जो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे, इसी के साथ वो जनसेवा और इंसानियत के नाते और प्रेम भाव के नाते उनको एक राजनीतिक जीवन में मोड़ ले आई। जब उनका ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई तो बंगाल के वो जो पहले प्रधानमंत्री बने तो विधान चंद जी को बनाया गया। बात और बता दो, जो डॉक्टर विधान चंद जी से उनको भारत रत्न के नाम, भारत रत्न अवार्ड भी सम्मानित प्रदानित हुए, किया क्योंकि गया। अपना जो डॉक्टर डे है ये हमारा जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये विधान चंद जी के नाम पे मनाया जाता है, विधान चंद जी के नाम से मनाया जाता है। और आज के टाइम में जैसे कि हमारा कोरोना से ग्रस्त पूरा दुनिया जी चल रही है, तो आज पूरा इंटरनेशनल डेज है, डॉक्टर्स स्पेशल डे है। तो इसी में वो जो लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं, इसमें अपना लड़ाई में भागीदार बन रहे हैं, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो है। और सबको सम्मानित है कि उनको सल्यूट है कि वो आज के इतने खतरनाक महामारी के बीच है हम सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं। और हम सब की तरफ से उन सबको धन्यवाद। इसी के साथ डॉक्टर अमन, थैंक्स।